Dear students, today we will discuss a very important topic of mathematics and the name of the topic is sets. हम sets के बारे में देखने वाले हैं. Now today we will discuss our lecture number 7. Before going to lecture number 7, please refer lecture from 1 to 6. जो videos हमने बनाए from 1 to 6 वो आपको refer करना है और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और सीरियसली आपकी पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे. नाउ इन दिस लेक्चर नंबर 7 वी विल डिस्कस फ्यू टॉपिक्स ऑपरेशंस ऑन सेट्स. इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन. वन इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, number of element of a set, and then practice set 1.4 test book page number 16. तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं operations on sets, disjoint sets, number of element of set, practice set 1.4 two examples. नाउ सबसे पहले हम देखेंगे जैसे मैथमेटिक्स में देर आर ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड. इन सेट्स देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस. वन इज इंटरसेक्शन एंड सेकंड इज यूनियन. नाउ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसका अगर हमने सेट बनाया, अगर ए सेट है बी सेट है, दोनों के कॉमन एलिमेंट को एक जगह पर हम लिखेंगे, द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन. दोनों के बीच में जो शेडेड पोर्शन है कॉमन पोर्शन, दिस इज वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन. इसको सिम्बॉल में भी हम लिख सकते हैं, यूजिंग रूल मेथड से भी लिखा जा सकता है. यूनियन का मतलब होता है इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी. ए के पूरे एलिमेंट, बी के पूरे एलिमेंट, इसको कंबाइन करना, इसमें यूनियन में कंबाइन, इंटरसेक्शन में कॉमन. इसको हम रूल मेथड से भी लिख सकते हैं सिंबल्स में और इसका वेन डायग्राम इस प्रकार का होता है, ये याद रखिए. तो किसी ने अगर पूछा यूनियन का मतलब तो आपको बताना है सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन को लिखना है, और यूनियन मींस दोनों के जो एलिमेंट्स है उसको कंबाइन करेंगे, एक जगह पर लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है, ये तुम याद रखेंगे. इसको बोलते यूनियन ऑफ टू सेट. नाउ डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स और अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, व्हेन द इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सच सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट या ए नो कॉमन एलिमेंट. अगर दो सेट है जिसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ऐसे सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स. तो इधर हमने पढ़ा ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन देखा हमने, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिसजॉइंट सेट का डेफिनेशन, वेन डायग्राम याद रखिए, रूल मेथड भी तुमको याद रखना है, डेफिनेशन भी आपको पता होना. नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट. ए सेट एन ए, एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ए शॉर्ट में लिखना है, स्मॉल एन ए. फार्मूला आपको याद रखना है यूनियन एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी. यूनियन है तो उधर इंटरसेक्शन, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो उधर यूनियन, ये फार्मूला तुमको याद रखना है. इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम. जब आप स्टैंडर्ड 11 में जाएंगे आगे पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम. ये आपको याद रखना है फार्मूला, इसके ऊपर स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नाउ प्रैक्टिस सेट 1.4 टेक्स्ट बुक में देखेंगे पेज नंबर 16. आपको टेक्स्ट बुक भी देखना है और टेक्स्ट बुक को भी रेफर करना है पढ़ाई करते वक्त. एन ए इज़ गिवन 15, एन ए यूनियन बी इज़ गिवन 29, एन ए इंटरसेक्शन बी इज़ गिवन 7. फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज रखेंगे, 15 माइनस 7 8, ट्रांसफर 8, सो एन बी बिकम 21. इन क्वेश्चन नंबर 5, इसी का क्वेश्चन नंबर 5, 1 के बाद हम 5 ले रहे,
2, 3, 4 क्वेश्चंस हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे में हम लेंगे, अभी हम 1 और 5 ले रहे हैं। और ये करने के पहले आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 के हमने 1, 2, 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए हैं, बट 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसलिए हमने लिखा 5, 6, 7 होमवर्क सेल्फ प्रैक्टिस करना है, खुद भी करना है कुछ, ऐसा नहीं कि खुद दिमाग नहीं लगाएंगे, आपको अपना ब्रेन भी यूज़ करना है, फ्रेंड से डिस्कस भी करना है, और मैक्सिमम फ्रेंड से शेयर करेंगे, अच्छे फ्रेंड से आप डिस्कस करेंगे, उनसे फ्रेंडशिप करेंगे, अच्छे स्टूडेंट के साथ जो पढ़ने में अच्छे हैं उनके साथ फ्रेंडशिप करना है आपको। अब आपको यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया गया है, और इस वेन डायग्राम को देखने के बाद आपको ये सेट्स लिखना है। बाय ऑब्जर्विंग दिस वेन डायग्राम वी हैव टू राइट सेट ए। अब सेट ए को लिख डालिए एक्स वाई जेड में, बी को लिखिए, यू में पूरा लिखिए, कॉमन पोर्शन इज द इंटरसेक्शन, सो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे, यू लिखेंगे, यूनियन का मतलब ए बी को कंबाइन, एक्स वाई जेड एम एन पी स्क्वायर, ए बी का ये, दिस इज यूनियन, दिस इज इंटरसेक्शन। उसके बाद ए का डैश, ए डैश मीन्स ए के एलिमेंट यू में से नहीं लेना है, यू में से ए के एलिमेंट नहीं लेना है, ए डैश। बी डैश, बी के एलिमेंट यू में से नहीं लेना है, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी के एलिमेंट यू में से नहीं लेना है, डोंट टेक एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसके एलिमेंट नहीं लेना, ए डैश डोंट टेक ए, बी डैश डोंट टेक बी, ए यूनियन बी डैश डोंट टेक ए यूनियन बी। तो ये जो लेक्चर हमने बनाया लेक्चर नंबर 7, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए प्लीज़ रेफर प्रीवियस लेक्चर्स, बी सीरियस अबाउट यूर स्टडी, प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाना है, डेली आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे में हम इसके ऊपर टेस्ट लेंगे। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस ऑपरेशंस ऑन सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिसजॉइंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, देन वी आर स्टडीड प्रैक्टिस सेट 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट लेक्चर। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, मैक्सिमम शेयर फ्रेंड्स को बताइए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए। थैंक यू।